अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। आज हम बनाने लगे हैं गोट के शोल्डर रोस्ट करने के लिए। आपको सिखाना है किस तरह मसाला लगाना है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए। हमने लिए एक शोल्डर लिया है गोट के लिए, इसको हमने ऐसे बीच में से काट दी है। और मसालों में मैंने लिया है हसबे जायका नमक है, हल्दी 1 टीस्पून है, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है, गरम मसाला 1 टीस्पून है। मैंने लजीजा का लिया है मसाला और ये इसकी पैकेट है, तो इसकी रोस्ट के लिए लिया है। गार्लिक लिए है मैंने होल, पूरा फुल गार्लिक लिए, और जिंजर लिए है, 2 प्याज लिए है मैंने, और मैंने लेमन लिया है तकरीबन हाफ कप लेमन है, और 1 कप ऑफ योगर्ट है, 1 कप हाफ कप ऑफ ऑयल है। ये जो हमने शोल्डर लिए हैं तो इसके देखिए हमने बिल्कुल ऊपर से चर्बी नहीं उतारी है, हमने बीच में से काट भी दिया है इसको, इससे देखें इसको के ताकि इसके अंदर मसाला चले जाएगा। हमने पीछे भी काटी है इसकी, इसके से लाइन लगाई हुई है सारे, तो इसकी सामने से भी इसकी चर्बी बिल्कुल उतारना नहीं है ताकि ये फिर खुश्क हो जाएगा। चर्बी अगर इसके साथ हो ना, चर्बी के साथ तो फिर सही बनेगा, ड्राई नहीं होगा गोश्त। ये हमने जो 2 प्याज लिया था ना, तभी हमने इसको ग्राइंड करनी है। प्याज मैं इसलिए ले रही हूँ ना ताकि इसकी गोश्त के अंदर जैसे स्मेल आती है ना, तो वो प्याज खत्म कर देते हैं। ये मैंने जिंजर और गार्लिक सारा डाल देना है इसके अंदर, इसको ग्राइंड करनी है सारे लेमन जूस के साथ। इसमें कोई पानी वो नहीं डालना, इनको ग्राइंड करना है साथ में। ये देखिए मैंने ये पेस्ट बना दिया था गार्लिक और जिंजर का और प्याज के साथ में लेमन डाल के ना, तो इसको पेस्ट बना दिया ग्राइंड करके। तो अभी मैंने ये सारे मसाले डाल देने हैं इसके अंदर, मसाले डालने हैं सारे, इसको अलग से ना इसको मिक्स करना है सारा, और साथ में ये योगर्ट भी डालने हैं थोड़ी सी, ये 1 कप जो मैंने लिया था ये भी डालना है साथ में, और थोड़ी सी ऑयल जो है ना वो भी डालना है, ज्यादा नहीं डालना ताकि वो उसके अंदर भी और है चर्बी। तो इनको अलग से मिक्स करना है मसाले, फिर उसके जाके लगाना है इसके अंदर डालना है मैरिनेट करने के लिए। अगर एकदम से उसके ऊपर डाल देंगे ना तो वो सही मैरिनेट नहीं होगा, मसाले नहीं लगेंगे एक दूसरे उसके साथ ना, नीचे गिर जाएंगे। देखिए सही मिक्स हो गया, तो अभी इसको इसके अंदर डाल देंगे, इसके ऊपर लगा डाल के ना इसको फिर जिसे हाथ के साथ उसको मसाज करनी है ताकि उसके अंदर चल जाए। देखे इसको अच्छे से, जैसे हमने जो कट लगाई ना वो सारे इसके अंदर ऐसे मसालों को लेके ऐसे ऐसे उसके साथ अपने हाथ के साथ उसको मसाज देंगे ताकि उसके अंदर मसाले चले जाएं। फिर ऐसे भी घुमाना है फिर लगाना है। तो प्याज मैं इसलिए वजह से भी डालती हूँ ना ताकि इसकी जो समटाइम इसमें बाद लोगों को पसंद नहीं होता ना गोट की या लैम की जो है, तो वो फिर प्याज जो है ना वो गला भी देती है और इसकी स्मेल खत्म कर देता है। देखें हमारी हो गई है, तो इसको ओवरनाइट हम रखेंगे मैरिनेट के लिए। इसको ओवरनाइट रखें, इसको ढक्कन में इसके लिए प्लास्टिक में फॉइल पेपर लगा के इसको फ्रिज में रखनी है ओवरनाइट। ओवरनाइट रखेंगे ना तो उसको तकरीबन फिर अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और जल्दी पक भी जाएंगे। देखिए ये भी हम इसे कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल कवर करके रखना है इसको, जब ये पक जाएगा ना फिर इसकी हमने निकाल देना है इसकी फॉइल पेपर उस पर से, तभी इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए ओवन में। ये हमने ओवन में रख दिया ना, तभी 400 डिग्री में रखना है। देखो हमने 1 घंटे बाद इसको पका दिया है, देखो इसकी अभी इस तरह हो गई शक्ल, तो ये पक गए कुक हो गई हमारी है रोस्ट जो है मेरे के पक गए, तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमने ये सर्व कर दिए, तो इसकी उस तरह होगी शक्ल, तो आप इसके चावल के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, खाली भी अभी खा सकते हैं। तो लग करे आपको पसंद आए हमारी रेसिपी, और अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने घर में बनाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको पसंद आए तो हमारी कॉमेंट करें और थम्सअप दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।